दोस्तों अभी तक सिर्फ आपकी रिजल्ट की डेट का अंदाजा लगाया जा रहा था कि आपका रिजल्ट 31 जुलाई से पहले आ जाएगा, लेकिन दोस्तों अब कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों की रिजल्ट की डेट कंफर्म हो चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों आज आपके लिए एक और बड़ी खबर निकल कर आई है, तो सारी बातों को जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों बिना देरी करे आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जानते हैं आज की सारी खबरों को। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कहा जा रहा था कि 31 जुलाई से पहले कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों का रिजल्ट आ जाएगा, और साथ ही साथ दोस्तों ये भी कहा जा रहा था कि एक ही दिन कक्षा 10वीं और 12वीं छात्रों का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आज एक कंफर्म खबर निकल कर आई है कि आपका रिजल्ट इस दिन आ सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कक्षा 10वीं का रिजल्ट 17 जुलाई को जारी हो सकता है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि कक्षा 12वीं का रिजल्ट कब आएगा, तो दोस्तों कक्षा 12वीं का रिजल्ट भी 25 से लेकर 31 जुलाई के बीच में आ जाएगा, और दोस्तों कक्षा 10वीं का रिजल्ट 17 से लेकर 20 या 21 जुलाई तक आ जाएगा। तो दोस्तों कक्षा 10वीं का रिजल्ट कक्षा 12वीं के छात्रों के रिजल्ट से पहले आने वाला है, दोनों का रिजल्ट एक ही दिन बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों हर बार देखा जाता है कि जब रिजल्ट आता है तो उसके कुछ घंटे तक तो वेबसाइट बिल्कुल क्रैश हो जाती है। अगर दोस्तों दोनों छात्रों का रिजल्ट एक ही दिन आ गया तो वेबसाइट तो बिल्कुल ही क्रैश हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं दोस्तों आज की एक और बड़ी खबर को। 12वीं के 60% जो बचे हुए स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिए हैं, उनके एग्जाम 8 तारीख तक हो जाएंगे, और दोस्तों 10-10 के बैच में ऑफलाइन होगी आपकी परीक्षाएं, यानी कि दोस्तों आपकी जो परीक्षाएं वो स्कूल के अंदर जाकर होगी, और 24 घंटे के अंदर बोर्ड के पोर्टल पर आपके नंबरों को भी अपलोड करना होगा। तो दोस्तों अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।